आपको हम दिखाएंगे कि हमारी हैदराबाद की जर्नी कैसी रही, हम लोगों ने वहाँ पे क्या क्या करा, क्या क्या खरीदा और क्या क्या मस्ती करी। तो आइए चलते हैं। तो इस वक्त है टाइम मॉर्निंग के 6:40 और मेरी फ्लाइट हैदराबाद में लैंड करेगी अराउंड 8:30। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं आप हैदराबाद में। आई एम वेटिंग फॉर माय लगेज एंड आई थिंक अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। सो अब मैं जा रही हूँ टैक्सी लेने क्योंकि उबर ओला यहाँ पे चलती हैं, बट जिस लोकेशन पे मुझे पहुँचना है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। कर दिया आपने, कितनी देर में आ जाएगी भैया? अगर आप लोग हैदराबाद में हैं, मतलब आप लोग अगर हैदराबाद आ रहे हैं और आप लोग को कोई भी टैक्सी की ज़रूरत है या आपको उबर ओला नहीं बुक हो पा रही है ड्यू टू सम अनवांटेड रीजंस, तो आप लोग मेरू कैब्स कभी भी बुक कर सकते हैं बिकॉज इनकी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। रिजॉर्ट में प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी है, कुछ कुछ ऑफिस का काम है सब, बट मैं आपको बीच बीच में अपडेट देते रहूँगी और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग बात भी करेंगे। मैं आपको हैदराबाद से कितना टाइम लगेगा भैया बंजारा हिल्स पहुंचने में? 45। हाँ जी 45। अभी भी गर्म बहुत है भैया, है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। दो दिन से बारिश नहीं हो रहा है तो ठीक है, दिन में ठीक है। हैदराबाद की जो रोड्स हैं वो काफी ब्रॉड हैं, काफी नीट एंड क्लीन हैं, और अगर आप लोग हैदराबाद में कभी भी आते हैं या फिर रह चुके हैं कुछ टाइम के लिए तो आपको, मतलब मुझे तो इस सिटी से प्यार हो गया था। टीमें बात ही कुछ ऐसी है कि अपना बना लेती है सबको। ट्रैफिक है बहुत, लेट भी हो गया है मुझे पहुंचते पहुंचते, देख सकते हैं आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और हम लोग अभी ट्रैफिक में हैं। हम लोग एक दो शॉप्स में मैं जाऊंगी और देखूंगी, आप लोग को भी मैं दिखाऊंगी क्या क्या हम लोग शॉप कर रहे हैं। एंड दिस इज़ नीरूज एम्पोरियम जहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी शॉप करी है, एंड नीरूज इज़ वेरी फेमस फॉर ऑल दी अटायर्स आई वुड से। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्लोथ्स हैं, अभी मैं आपको अंदर कलेक्शन भी दिखाते ब्राइड्स ग्रूम ब्राइड मेड्स या आपको कोई पार्टी अटेंड करनी है, सबके लिए ही काफ़ी अच्छे क्लोथ्स वगैरह हैं और जैसा अटायर आपको चाहिए बेस्ड ऑन दी ओकेजन आपको मिलेंगे। सो अभी तो इन्होंने थीम बेस्ड करा हुआ है बट इनके पास इंटायर रेंज है, मतलब आप प्राइस बोलें, आप अपना पूछें कैसा चाहिए तो आपको सब कुछ मिल सकता है। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट शॉप्स इन हैदराबाद। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ह्यूज कलेक्शन है नीरूज पे। सो अभी तक मैंने काफ़ी सारे लहंगे देख लिए हैं और कुछ मुझे पसंद भी आ गए हैं, बट इनके पास काफ़ी अच्छे कलेक्शन है। मेरा एक पहले भी कुछ एक ड्रेस या दो ड्रेस ही की थी तो मैं सॉर्ट ऑफ फैन हूँ नीरूज की कलेक्शन की, और ये जो भी इनकी प्राइस रेंज रहता है वो वर्थ इट रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ओवर प्राइज्ड हैं या अंडर प्राइज हैं, या आप एक झलक दिखा देते हैं शॉप की क्या है कैसा बुटीक है। सो ये इनका लहंगे वाला सेक्शन है और फिर इनका नेक्स्ट है साड़ी वाला सेक्शन, फिर सूट वाला सेक्शन, तो ऐसे इनके सारे सेक्शंस हैं। और भी काफ़ी सारी शॉप्स मैंने विज़िट करी बट क्योंकि कुछ इश्यूज हैं कैमरा, आप लोगों को मेरे फेस से भी लग रहा होगा, थकी थकी सी में लग रही हूँ क्योंकि मैं रात भर भी नहीं सोई थी और मॉर्निंग में फ्लाइट थी, उसके बाद आके इधर उधर ही रह गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ और अब होगा ऑफिस का काम। तो आप लोग भी एनर्जेटिक रहें, अपने को हाइड्रेटेड रखें और खुश रहें। खुश अगर आप रहते हैं तो आपको बिल्कुल कोई थकान नहीं होती है, तो ये मेरा फंडा है। अगर आप खुश रहते हैं हर एक छोटी चीज़ को इंजॉय करेंगे तो आपको कभी कोई थकान नहीं लगेगी। अब हम आ चुके हैं प्रगति रिजॉर्ट जो कि हैदराबाद की आउटस्कर्ट एरिया में है, और मैं अपनी टीम में सबसे पहले आ चुकी हूँ तो मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं आपको एक बार जो रिज़ॉर्ट है उसका टूर ज़रूर करवाऊँ। और अभी हम जा रहे हैं सीधे अपने रूम पे। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे रूम पे, ये है हमारे रूम। अब हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। सो लाइफ में आपको जो भी सिचुएशन मिले, जैसी भी कंडीशन है, आप उस पल को एंजॉय करें, उस मोमेंट में रहें और जितनी मस्ती हो सकती है आप उस मोमेंट में करें बिकॉज लाइफ इज़ अनसर्टेन। रिजॉर्ट है, इस
से काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स एंड एक्लेट्स मिले हैं बिकॉज ऑफ द वर्क दे हैव डन. दे हैव केप्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज ओवर हियर एंड दे आर आई थिंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिजॉर्ट्स इन नॉट ओनली इन इंडिया. आपको इस इमेज को स्कैन करना है. बोटैनिकल नेम ऑफ दिस स्कैन करेंगे आपको अबाउट दिस स्पीशीज पूरा आ जाएगा. सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं. सो इतने अच्छे स्पॉट्स यहाँ पे हैं. आज हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं हैदराबाद में, हैदराबाद के प्रगति रिजॉर्ट में. ये देखिए कृष्ण भगवान जी सो गए हैं. तो बचपन में भी हम लोग ऐसे कुछ करा करते थे. काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स एंड एक्लेट्स हैं इस रिजॉर्ट के. तो आप देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी या फिर बहुत सारे माइलस्टोन इस रिजॉर्ट के हैं. काफ़ी अच्छी लाइट्स के साथ इन्होंने यहाँ पे डेकोरेशन करा हुआ है और इस लॉन के एस्थेटिक्स बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो आप लोग देख सकते हैं. वापस टू जयपुर और अभी मैं क्योंकि अब फ्री हो गई हूँ तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कैसा था हमारा स्टे, क्या क्या चीज़ें हमने करी. तो एक राउंड में आपको ज़रूर दिखाऊँगी इस रिजॉर्ट का. चलिए चलते हैं. You are a nature lover, so this place is for you. आपको इतनी सारी diversity of plants एक जगह पे मिलना बहुत ही difficult है. हुई है यानी कि कितना well maintained है ये park भी. So these are not only posters, but they have kept a physical sample. Like they have kept basketball court. And next to the basketball court, there is this children's park. So this is the badminton court. And यहाँ पर हम लोगों ने last 3 दिन से काफी ज़्यादा badminton खेला है with my team. Next to badminton court, it is the tennis court. So हर एक छोटी छोटी चीज़ों की डिटेलिंग जिस तरीके से करी गई है इस रिजॉर्ट में. एंड दोस्तों ये जो एरिया है दिस इज़ द डाइनिंग एरिया एंड दिस इज द पूल एरिया. यहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी मज़े करे हैं पूल साइड में भी. तो अब तो पूल एरिया में अभी कोई नहीं है बिकॉज. तो ये एरिया में इंडोर गेम्स हैं प्लस स्विमिंग पूल है एंड इट्स अ वेरी स्मॉल शॉप हियर. सो बेसिकली दिस इज अ क्लब हाउस. But if you want to buy any handicrafts, paintings, home decor things, or you know anything related to your lifestyle, your daily routine, so you can definitely. और ये घोड़े भाग रहे हैं पर तब से अपनी ही जगह में रुके हुए हैं और ये भाई साहब किसी को देख रहे हैं. ये भी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं और आगे इन्होंने एक बोट भी रखी है. बड़ी ही क्यूट सी बोट है. Now we are heading back to Jaipur. It was a pleasure staying at this beautiful and lovely resort, having excellent food and service. Also, they offer complimentary fruits, chocolate. Now we have arrived at the airport, so we'll be checking in and we'll be getting our flights to Jaipur. मिल चुका है हमारा बोर्डिंग पास और
और अब हम रेडी हैं टू फ्लाई। थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे और हम जाएंगे। मेरा मास्क कितना ख़राब लग रहा है। बुक स्टोर एंड आई एम बाइंग फ्यू बुक्स फॉर माई सेल्फ। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। फाइनली हम लोग जयपुर आ चुके हैं वापस बैक टू बेसिक्स। अब देखते हैं क्या करेंगे। दिन के बज रहे हैं 2, मुझे लगता है सोएंगे अब जाके कुछ खावा के। ओके गाइस, सी यू, बाय।